गुड मॉर्निंग। अगर आप जानते हैं कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है तो आप अपनी पढ़ाई करने की जो क्षमता है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। यू कैन रियली रियली गेट बेटर रिजल्ट्स इन योर स्टडीज। ब्रेन पांच चीज़ें आपके लिए करता है। सबसे पहली चीज़ है अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को समझना। दूसरी चीज़ है जिसे कहते हैं रिकॉलिंग, चीज़ों को रिकॉल करना, जो पहले से आपको याद है उसे उसे रिकॉल करना। मेमोराइजिंग, नई चीज़ों को याद रखना। इनहिबिटिंग, आपका दिमाग जो है वो सूचनाओं को भीतर जाने से रोकता है, बहुत सारी सूचनाओं को वो फिल्टर करता है। और पांचवी चीज़ है, उसे कहते हैं डिसाइडिंग, निर्णय लेना, बहुत सी चीज़ों में से किसको पिक करना है किसको नहीं पिक करना है। आप कहेंगे ये पांच फंक्शन याद कैसे रहेंगे, एक सेंटेंस याद करिए। यू आर माई इंटीमेट डियर फ्रेंड, यू आर माई इंटीमेट डियर फ्रेंड। तो यू से अंडरस्टैंडिंग, यू आर, आर से रिकॉलिंग, माई, एम से मेमोराइजिंग, इंटीमेट से इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग का मतलब होता है रोकना, चीज़ों को, सूचनाओं को दिमाग में आने से रोकना। ये ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट काम है। तो मैंने इसे इंटीमेट शब्द से, IN से इनहिबिटिंग याद रखना, इंटीमेट। डियर, डी इज डिसाइडिंग, फ्रेंड वो मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से। पांच फंक्शन जो है वो आपका ब्रेन आपके लिए करता है। और ये पांचों फंक्शंस में से जब आप ब्रेन को ठीक से, अगर आपको ये इसका पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाए, देखो दिमाग का ये सामने का भाग जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो ये पूरा एक्टिव रहता है। इसको आप ऐसे समझें कि यहाँ एक ये रंगमंच के जैसा है, एक स्टेज जो है वो यहाँ क्रिएट हो जाता है, जिसको हम स्टेज को कहते हैं आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो एक स्टेज क्रिएट हो गया और उस स्टेज के ऊपर एक एक्टर, एक्टर क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं, जो सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हैं, जो आइडियाज़ आप जो है अपने दिमाग में डाल रहे हैं, ईच एंड एवरी आइडिया, वो एक उस इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के शॉर्ट टर्म मेमोरी के मंच पर आपके विचार जो हैं वो एक एक्टर की तरह से जाते हैं। योर फोकस, योर अटेंशन, दैट वर्क्स लाइक अ स्पॉटलाइट। तो जैसे मंच पे आपने देखा होगा चारों तरफ अंधेरा होता है और जो एक्टर है उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट होती है, तो ठीक इसी तरीके से जो है जो आपकी अटेंशन है, आपकी जो एकाग्रता है, वो एक फोकस लाइट का काम करती है। अच्छा, मंच पर कौन सा आइडिया आया, शॉर्ट टर्म मेमोरी के इस मंच पर कौन सा एक्टर, कौन सा विचार, कौन सा आइडिया, कौन सा थॉट आया, हैं, कौन सा फैक्ट आया, और उसके ऊपर एकाग्रता की लाइट, फिर वो परफॉर्म करता है। वो आइडिया किस दूसरे आइडियाज़ के साथ कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, एंड दैट शोज गोज ऑन एंड ऑन। अब देखिए, अगर तो और उसकी देखिए, उस शो को देख कौन रहा है, उस शो को देख रहा है बहुत सारी ऑडियंस। ऑडियंस की तुलना हम करते, ऑडियंस क्या करती, शो को, उस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद, हाँ ये समझ में आया, ये मज़ा आया, अरे अरे कितना अच्छा नाटक था। तो ऑडियंस को लॉन्ग टर्म मेमोरी समझिए, वो एक एक्सपीरियंस है, वो एक अनुभव है, जॉय का अनुभव, अरे वाह बहुत बढ़िया नाटक था, बड़ा मज़ा आया, ऐसा नाटक जो बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। तो अगर मंच पर एक्टर ठीक से आया, स्पॉटलाइट ठीक से पड़ी, और जो उसका एक्टिविटी जो उसे करना था, जो दूसरों के साथ उसको इंटरेक्शन करना था, वस्तुओं के साथ, चीज़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ, तो एक्टर ने उस एक पर्टिकुलर आइडिया ने अपने आप को दूसरों के साथ ठीक से रिलेट किया, तो बड़ा अच्छा सा परफॉर्मेंस हुआ और ऑडियंस को एक बड़ा अनुभव आया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एक नया एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। लेकिन क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, क्या हो अगर स्टेज क्योंकि छोटा है, एक एक्टर की जगह पांच एक्टर आ जाए, एक एक्टर यहाँ आ गया, फिर दूसरा एक्टर भी आ गया, और क्योंकि स्टेज पे अंधेरा है तो कभी इस पे फोकस लाइट जा रही, कभी उस पे फोकस लाइट जा रही, कभी इधर फोकस लाइट जा रही, कभी उधर फोकस लाइट जा रही, क्या होगा, और कभी ये जब बोल रहा है इधर आ रहा है, तो बार 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 बार, इसे हम कॉग्निटिव स्विचिंग कहते हैं। बहुत बार जब आप पढ़ाई करते हैं, एक बार में आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में एक आइडिया, एक थॉट, एक कॉन्सेप्ट एट ए टाइम जाना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
बहुत से स्टूडेंट्स इधर वो पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है तो कभी फ़ोन की तरफ चले जाते हैं, कभी दोस्त से बात करने लगते हैं, कभी दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान चला जाता है। तो क्या हो रहा है, स्टेज पर एक से ज़्यादा एक्टर्स आ रहे हैं और लगातार आई एम टेलिंग यू लगातार जो है वो स्टेज पर दूसरे लोग आते रहते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते रहते हैं। आपके फ़ोन का पिंग बजा, समझो एक नया एक्टर स्टेज पर आने की कोशिश कर रहा है। अब लेकिन जो उसका डायरेक्टर है मंच का, उस नाटक का जो डायरेक्टर है, जिसे आप अपनी विल पावर कह लीजिए, हाँ, वो डायरेक्टर क्या करता है, वो मंच पे किसी और को आने नहीं देता, नहीं 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 अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन लगातार बम्बार्टमेंट हो रहा है बाहर से, इधर से उधर से यहाँ से, बार बार बम्बार्टमेंट हो रहा है दूसरे ख्यालों का, विचारों का। क्या होता है, धीरे धीरे वो डायरेक्टर जो है, आपकी जो विल पावर है, वो दूसरे विचारों को मंच पे नहीं आए, वो आपके फोकस में नहीं आए, इसके लिए रोकने की कोशिश करती है। और रोकने की कोशिश करते 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 विल पावर क्या होती है, थकती जाती है, उसकी एनर्जी लूज होती चली जाती है। इसी को कहते हैं विल पावर डिप्लीशन। और धीरे धीरे शाम होते होते तो हथियार ही डाल देते। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुबह जोश में होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी डाउन होती जाती है। और फिर शाम को उनको आजा घूमने चलते हैं, आजा समोसे कचौरी खाने चलते हैं, आजा जूस पीने चलते हैं। वो जहाँ उनको ले जाओगे वो चल लेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा जो है वो विरोध रजिस्ट करने की शक्ति जो है ना भीतर बची नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसे इससे लड़ना है, कैसे आपको इससे जूझना है, इसके दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज ये है, आपको एटलीस्ट पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले आपको ये जानना है कि मेरा जो दिमाग है दैट कैन होल्ड वन थिंग एट अ टाइम, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो न्यूरो साइंटिस्ट है वो कहते हैं इट कैन होल्ड वन थिंग एट अ टाइम। जो भी एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, जो भी एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, पहले उस पैराग्राफ को पढ़ें, उसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें, प्रश्न करें, अपने आप से प्रश्न करें, लिख के देखें, जो करना है उस एक पैराग्राफ पे पहले अच्छे से करें। जब वो आपको लगता है कि हाँ इस पे पहाड़ बन गए, तो फिर दूसरे विचार को, दूसरे आइडिया को, दूसरे कॉन्सेप्ट को, दूसरे पैराग्राफ को, दूसरे टॉपिक को जो है वो आने दें। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में, छोटे छोटे आइडियाज़ में, छोटे छोटे की वर्ड्स में ब्रेक इट डाउन, मेक इट स्मॉल, क्योंकि ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो स्टेज है वो बहुत छोटा है। जितनी छोटी चीज़ों को वहाँ फिट करेंगे, जितने छोटे कॉन्सेप्ट्स को एट अ टाइम वहाँ फिट करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस, आपका आउटपुट, आपका बढ़ता चला जाएगा, कमाल का आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। मैं उस पूरी प्रोसेस को क्वांटम लर्निंग कहता हूँ, विच आई हैव डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू हाउ योर ब्रेन वर्क्स। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में से बहुत बार स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है बी बेटर एवरी डे। अगर आप कंपटीशन के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और आपको लगता है कि यार कुछ कमाल करना है, यू कैन जॉइन माय चैनल। मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपकी हेल्प के लिए उस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आप उसे ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, डेली कुछ ना कुछ अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन पर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो कल के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसको कैसे करें, इन विचारों से कैसे, क्या स्ट्रैटेजी हम काम में लें जिससे कि इस तकलीफ से बाहर आ जाए। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ कि आपको अवेयर होना चाहिए व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी। और कल के वीडियो में पार्ट टू में हम बात करेंगे कि कौन सी वो स्ट्रैटेजीज हैं हम यूज़ करें, कौन सी वो टेक्निक्स हम यूज़ करें जिससे कि हम अपने इस रंगमंच को, अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हम जो है वो सेफ गार्ड कर सकें, और जो हम पढ़ें वहाँ 100% एकाग्रता के साथ, फोकस के साथ पढ़ाई करते हुए कई गुना जो है उसका आउटपुट ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा, ठीक लगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। थैंक यू।